चैंपियन का चैंपियन था। अपने ही सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा, निशंक को बताया प्रवासी पक्षी, हरीश रावत को बताया काला नाग, पत्नी रानी देवयानी को बताया जिताऊ प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और बयानवीरों ने अपने अपने कमान से बयानों के धारदार तीर छोड़ना भी शुरू कर दिया है। हमेशा अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने ही सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए निशंक को प्रवासी पक्षी बता दिया। चैंपियन का कहना है कि चुनाव के समय शिलान्यास और घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। हरीश रावत को केवल उनकी पत्नी रानी देवयानी ही हरा सकती हैं और मौका मिला तो उनकी पत्नी रानी देवयानी भाजपा से लोकसभा की प्रत्याशी होंगी। हरीश रावत को हराने का दावा ठोकने के साथ ही चैंपियन ने हरीश रावत को काला नाग बता डाला। चैंपियन यही नहीं रुके बल्कि हरीश रावत की मेंटेलिटी खराब बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने ही मेरे घर में आग लगवाई। सबका साथ सबका विकास के दावे करने वाली बीजेपी के नेता ही बड़बोले होकर अपने ही सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत का ख्वाब संजोने वाली बीजेपी को अपने ही नेताओं की यह बयानबाजी चुनाव में कहीं भारी न पड़ जाए।